गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 5 भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण। 1920 से 1947 की अवधि को गांधी युग या गांधी युग के आंदोलनों का युग माना जाता है। सन 1920 और 1947 को क्या माना जाता है? गांधी युग या फिर गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों का युग माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह दूसरा दौर संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई का तो है, इसमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई लड़ी गई थी, साथ साथ स्वतंत्रता की लड़ाई का भी था। इस आंदोलन के जिन प्रभावों में से गुजरे और उसका जो एक संकुल प्रभाव खड़ा हुआ, उसका यहाँ अवलोकन करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साइमन कमीशन 1927, माउंट फ्रंट सुधार में एक व्यवस्था यह थी कि सुधार को किस प्रकार से लागू किया गया है और सुधार की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाना, जो माउंट फ्रंट सुधार में कैसी व्यवस्था थी कि हम सुधार को किस प्रकार से लागू करें और सुधार की आवश्यकताओं के संबंध में अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाना, एक कमीशन की रचना करना। परंतु 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई, परंतु 10 वर्ष के पहले ही 2 वर्ष में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई, उसकी रचना कर दी गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में रचित साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। जॉन साइमन के नेतृत्व में रचित साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और वे सभी अंग्रेज थे। भारतीयों का दुख दर्द भारतीय ही समझ सकते हैं, इस विचार से कमीशन में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश भारतीयों ने की कि अगर कोई भारतीय सदस्य होगा तो वह भारतीयों का दुख दर्द समझ सकेगा। इस भावना से उन्होंने इस कमीशन में भारतीय सदस्य को शामिल करने की सिफारिश की, परंतु अंग्रेजों ने सिफारिश नहीं स्वीकार की अतः भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया, उसे छोड़ने का निश्चय किया। साइमन कमीशन ने भारत आगमन के समय लोगों ने सभा जुलूस साइमन गो बैक के नारे और काले झंडे फहराकर विरोध किया। इस प्रकार से भारतीय लोगों ने इस कमीशन का विद्रोह किया, जिसके विरुद्ध सरकार ने दमन नीति का उपयोग किया। इसके विरुद्ध ने अंग्रेज सरकार ने दमन नीति का भी उपयोग किया। सरकारी दमन नीति का भोग लाला लजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू भी बने। लाहौर में जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला लजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें चोट लग गई। थोड़े दिन बाद उनका अवसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई 1919 में। लाला जी की मृत्यु के समाचार से भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिकारी उत्तेजित हुए और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी साणंद की हत्या कर दी गई, उसे मार दिए गए। नेहरू कमेटी। साइमन कमीशन का बहिष्कार होने से भारतीय मंत्री बर्कनहैंड ने साइमन कमीशन का विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया कि भारत के नेता सभी दलों के अनुकूल संविधान बनाकर दे तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी। जब साइमन कमीशन का बहिष्कार होने लगा, तब भारतीय मंत्री बर्कनहैंड ने साइमन कमीशन
का विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्हें ऐसा बताया कि हम जो संविधान बनाकर दे तो उसे ब्रिटिश सरकार को अपनाना होगा या नहीं उस पर विचार करेगी। इस आश्वासन को चुनौती समझकर भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी की रचना की। जो विवरण दिया वह नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें स्थानीय स्वराज, स्वतंत्र न्यायतंत्र, मूलभूत अधिकार, वरिष्ठ मताधिकार आदि विषयों का समावेश किया गया। यह सब विषय इसमें शामिल थे, परंतु अंग्रेज सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको अपनाया नहीं। पूर्ण स्वराज की मांग 1929। उस समय भारतीय राष्ट्रीय महासभा में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता सक्रिय हुए। उस समय के भारतीय राष्ट्रीय महासभा में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे। वे पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। स्थानिक स्वराज से युवा वर्ग को संतोष नहीं था। जो स्थानिक स्वराज थी उससे युवा वर्ग को संतोष नहीं था, संतुष्टि नहीं थी। परिणाम स्वरूप लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, उसको रखा गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ लेकर प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और इस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए सन 1950 में हमारा संविधान इस तारीख को लागू किया गया कि इसका महत्व हमेशा बना रहे, इसलिए उसको लागू किया गया। दाणी कूच 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दाणी गांव के समुद्र किनारे जाकर नमक कानून को भंग करने का निश्चय किया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसमें गांधी जी ने दाणी गांव के समुद्र किनारे जाकर उन्होंने नमक कानून भंग करने का निश्चय किया, नमक कानून हटाने का निश्चय किया। 11 मार्च की शाम को आश्रम में हजारों लोगों की जनसंख्या को सत्याग्रह का संदेश दिया। 11 मार्च की शाम को गांधी जी ने आश्रम में जाकर हजारों लोगों की जनसंख्या को सत्याग्रह करने का संदेश दिया। लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी दृढ़तापूर्वक अहिंसक रूप से सरकार के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद भी गांधी जी ने अहिंसक रूप से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम, जो अब गांधी आश्रम के रूप में जाना जाता है, से 12 मार्च 1930 को वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए जे पीड़ पढ़ाई जाने रे गाया गया और भणे नरसिंह तेनु दर्शन करता कुल 71 ताण्या रे सूरा संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नहीं। यह पूरा होने पर महाप्रयाण शुरू हुआ। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ दाणी कूच की शुरुआत की, अपने साथियों के साथ इस दाणी कूच की शुरुआत की थी। अहमदाबाद से दाणी की दूरी लगभग 370 किलोमीटर थी, जो अहमदाबाद से इतनी दूर थी। दाणी यात्रा में असलाली, बारेजा, नड़ियाद, आनंद, बोरी, यावी, रास, जांबूसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे छोटे बड़े नगरों में सभाएं करके लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून भंग करने की अनिवार्यता की जानकारी दी थी। यह सभी गांव इस आंदोलन में आए थे। गांधी जी ने भाट नामक स्थान पर 29 मार्च 1930 कहा कि
कोवे कुत्ते की मौत मारूंगा, परंतु जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक आश्रम से वापस नहीं लौटूंगा। यह वाक उन्होंने कहा। यह पूंछ जिन गांव में से गुजरती वहां लोग रास्ते की सफाई करते, पानी छिड़क कर तोरण बांध कर सजाते। इस यात्रा ने लोगों में अपूर्व जागृति, गजब की श्रद्धा, चेतना और एकता जगाने का अद्भुत कार्य किया। पूरे देश में सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। पूरे देश में क्या हो गया? सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। गांधी जी अपने साथियों के साथ 24 दिन की पद यात्रा के बाद दांडी पहुँचे। गांधी जी ने अपने साथियों के साथ 24 दिन की यात्रा करके अपने दांडी पहुँचे 15 अप्रैल 1930 के दिन। 6 अप्रैल 1930 की सुबह ठीक 6:30 बजे समुद्र किनारे गांधी जी ने जमे हुए नमक में से एक मुट्ठी नमक लेकर नमक के अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा। उन्होंने क्या किया? 6 अप्रैल 1930 की सुबह ठीक 6:30 बजे समुद्र किनारे जाकर एक नमक के ढेर में से एक मुट्ठी भर नमक लेकर नमक के अन्यायपूर्ण कानून को उन्होंने तोड़ दिया, उसका भंग कर दिया। गांधी जी ने कहा, मैंने नमक कानून को तोड़ दिया। और उस समय वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत की नींव में नमक लगा रहा हूं। श्री महादेव भाई देसाई दांडी कूच की तुलना महाभिनिक्रमण के साथ करते हैं। दुनिया भर के पत्रकारों फोटोग्राफरों ने भी इस स्थान पर आकर आंखों देखा, विवरण समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित किए। इस तरह 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई विश्वविख्यात दांडी कूच की भौतिक समिति थी, परंतु ब्रिटिश संतुलन की इमारत की नींव में नमक लगना शुरू हो गया था। इस तरह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने दमन के कोड़े बरसाए, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, गोली बार, स्त्रियों और बालकों पर जुल्म करने पर भी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी, वह चलती गई। दांडी कूच के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृता निवारण आदि उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से आई जागृति के कारण असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रम देश भर में शुरू हुए। देश भर में ये सब कार्यक्रम चालू हो गए। इन कार्यक्रमों में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इस आंदोलन में क्या क्या शामिल था? स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर पिकेटिंग, महसूल सहित कर वगैरह न भरने का आंदोलन, अस्पृता निवारण कार्यक्रम संबंधी सत्याग्रह सभाएं और जुलूस के कार्यक्रम हुए। इस जागृति तथा आंदोलन को कमजोर करने तथा कुचल डालने के लिए सरकार द्वारा लाठीचार्ज तथा कारावास सहित दमनकारी कदम उठाए गए, जिससे यह आंदोलन बंद हो जाए। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश की रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी इमारतों पर तोड़फोड़, हमले जैसी कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी। इन घटनाओं में सरहद की गांधी अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में आंदोलन, मुंबई के पास वडाला के पीठे पर नागरिकों का हमला, दिल्ली में कस्तूरबा गांधी जी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए पिकेटिंग, सूरत के धारासणा तथा वीरमगांव क्षेत्र में हुए नमक सत्याग्रह के अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में से पढ़ाई छोड़ देने के कार्यक्रम मुख्य थे। ये सब कार्यक्रम इसमें मुख्य माने जाते हैं।